इन तीन चीजों के जरिए से इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया के अंदर बुलंद करता। दुनिया के अंदर अगर बड़ा रुतबा चाहिए, बुलंद मकाम चाहिए तो तीन बातें हैं, तीन रास्ते हैं। पहली चीज यह है कि ईमान ले आओ। ईमान इंसान के अंदर अगर नेकी पैदा हो जाए तो मैं ये समझता हूं कि अगर आपका दुश्मन भी है तो एक वक्त वो आपकी तारीफ करने के लिए, आपको दर्जा देने के लिए मजबूर है। आप अच्छे नमाजी हैं, आप अच्छे समाज के अंदर लोगों के साथ व्यवहार रखने वाले हैं, सोशल काम करने वाले, नेकी करने वाले हैं। आपका धर्म कुछ भी हो, आपकी जिंदगी कुछ भी हो, लेकिन जहां उस चीज की जरूरत पेश आती है आप कि नेकी की वजह से लोग आपको आगे बढ़ाते हैं, उस काम के लिए उसी को बुलाओ। वो नहीं चाहता है आपके साथ उठना, नहीं चाहता बैठना, नहीं चाहता, लेकिन आपका जो पेशा है, आपकी जो जिंदगी है, आपका जो कैरेक्टर है, ईमान की वजह से, नेकियों की वजह से, सच्चाई और अच्छाई की वजह से, खैर और भलाई के काम की वजह से, तो अल्लाह ने वादा किया है कि रुतबा अल्लाह आपको देगा, तो दुनिया के लोग आपको रुतबा दे रहे हैं और देने पर मजबूर है। यल्लादीना आमनू मिनकुम, का ईमान है, ईमानदारी है, सच्चाई है, अच्छाई है, खैर की जिंदगी है, तो दुनिया के लोग मानते, दुनिया के लोग उसे मानने के लिए मजबूर है। आगे और दूसरे नंबर पर वल्लदीना उतुल इल्म, ताकि और वो लोग जिन्हें इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया। अब देखिए दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मोमिन नहीं, मोमिन नहीं है, अल्लाह ने उन्हें तौफीक नहीं दी कि वो इस्लाम कबूल कर ले, लेकिन उनका नाम बहुत रोशन हुआ सिर्फ इल्म की वजह से। अल्लाह ने कहा कि अगर किसी आदमी के पास इल्म है तो उस आदमी का रुतबा भी समाज और माशरे के अंदर लोगों की निगाहों के अंदर बुलंद होता। अब देखिए आपके माशरे के अंदर अगर कोई डॉक्टर हो, अच्छा माहिर डॉक्टर है, सर्जन है, अच्छा इलाज करने वाला है, तो आप अपने समाज में रहने वाले उस बीमारी में मुबतला किसी आदमी को कहते नहीं फला से ही इलाज लेना, उसके ईमान की वजह से नहीं है, उसकी नेकियों की वजह से नहीं। हो सकता वो काफिर हो सकता मुशरिक हो सकता है शराब भी पीता हो, ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है किसी गलत काम के अंदर मुलविस हो, लेकिन उसके इल्म की वजह से आप उसको उस मैदान में मानने के लिए मजबूर हैं। यह अल्लाह का वादा है कि अल्लाह ईमान की वजह से लोगों को बुलंद फरमाता है, इल्म की वजह से बुलंद फरमाता है। और तीसरी बात का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तज़किरा किया कि अमल की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन बुलंद फरमाता। आपके पास इल्म नहीं है, एक आदमी है जो आप ये समझिए कि कम पढ़ा लिखा आदमी, आलिम नहीं है, डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, बल्कि आप ये कहिए कि समाज के अंदर एक अनपढ़ और कमार आदमी है, लेकिन उसके पास अमल है, नेकी करता है, नमाज पढ़ता है, अपने बच्चों के साथ अच्छा सलूक करता है, किसी के साथ दुश्मनी नहीं करता है, समाज और माशरे के अंदर उसके आमाले सालेहा का तज़किरा है, तो लोग उसे रुतबा देने के लिए, उसकी हैसियत को मानने के लिए मजबूर है, अगरचे वो जाहिल है। तो ये अल्लाह का वादा है कि इल्म की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन समाज और माशरे के अंदर इंसान का रुतबा बढ़ाता, और अगर उसके साथ दीन का इल्म प्लस हो जाए तो नूर हरा नूर है, उसका क्या पूछना। ये दीन के इल्म की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन उस आदमी को मजीद रुतबा देता है।